है 8.4 का 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, आप 5 मार्क्स से ये पूछता है, 5 नंबर का पूछता है। और ये मैथ बनाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करना होगा। अगर आप लोग बात करेंगे तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, खूब बता रहो ये कर वो देखा। हाँ देखिए बाबू, अगर माइंड डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट समझते हैं ना, अगर आप लोग बतियाएंगे तो दिमाग जो है इन्हें उन्हें जाएगा, तो इन्हें मौन। तो कृपया हेलो देखिए, अब एकदम ध्यान से देखिएगा, हमको इस मैथ को हल करना है और सत्यापित करना है कि इसके बदले में ये है। इसे दो नियम है, आप ये बायां पक्ष को हल करते करते दायां पक्ष ला दीजिए, और नहीं तो दायां पक्ष को हल करते करते बायां पक्ष ला दीजिए। आपको जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग इसको सीधा मान के चलते हैं, इसी को लेके बनाते हैं, आराम से बन जाता है ना। देख लीजिए, tan थीटा बटा में 1 माइनस cot थीटा, प्लस cot के बटा में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा, बीच में क्या है इनटू है। ध्यान में बुक में मिला लीजिएगा, एक बार पूजा बुक में मिला लीजिएगा, बुक में तो कहीं गलती ना हो जाए, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आइए देखिए बाबू, हम LHS से लिखेंगे, आइए LHS से लिखेंगे, tan थीटा बटा में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, इसको हम हल करेंगे। चलिए देखिएगा जी ध्यान से, tan को क्या लिखे, साइन बाई इन दिख रहा है सीधा सीधा एक माइनस, cot को cos बाई साइन, इतना हो गया ना। आप लोग बात करेंगे तो नहीं बुझाएगा, इसलिए कृपया करके यहां ध्यान रखें। अब देखें cot के लिए cos by sin और एक माइनस, tan के लिए sin by cos। आगे बढ़ो ना, आगे देखिएगा आप लोग, कृपया ध्यान से देखिएगा, ऊपर ऊपर को डिस्टर्ब ना बीच में, जस का तस, नीचे वाले में हम LCM ले रहे हैं, इसमें हम LCM साइन ले लिए, साइन में एक में गुना होगा साइन थीटा ना जी, अब माइनस कॉस थीटा प्लस, देखिए कॉस बाय साइन बटा में, अब इसका LCM ले लेंगे कॉस थीटा, कॉस में एक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन हो गए बाबू। अब देखिएगा हम इसको इसको हम पलटते हैं ना, यानी कि साइन बाई कॉस गुना करते हैं, साइन ऊपर चल जाएगा हाई वाला, साइन थीटा माइनस इन नीचे चला आया है ना। अब देखिए प्लस, अब इसको भी cos थीटा बाई sin थीटा गुना हाई ऊपर है हाई नीचे, cos थीटा माइनस
साइन थीटा। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आया? देखिए अगर आप लोग बात करेंगे तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा, ध्यान यहाँ पे नहीं आएगा। और मैथ में बड़ा मन ठीक ठाक मैथ है। आगे देखिए, आगे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं लड़के, ऐसा करते हैं कि हम गुना कर देते हैं, गुना साइन में साइन में साइन स्क्वायर। आप बता में कॉस लेके आप ब्रैकेट में ही कर देते हैं, कॉस लेके साइन थीटा माइनस। इसको हमने एक ही में करके लिख दिया, देखो गुणा करके लिख दिया ना। अब आगे देखिए, प्लस कॉस में बटा में। अब इसको देखिएगा, साइन ले लिया, अंदर क्या लिखूंगा, कॉस माइनस साइन। तो हम जैसे ए में साइन माइनस कॉस है ना, वैसे ही ए में साइन पहले लिखेंगे, यहाँ पे साइन पहले। तो साइन के पहले कौन चीज है, माइनस साइन प्लस कॉस। कोई डाउट देखिए तो नहीं ना है। मैंने इसको सीधा के लिख दिया। अब इसके बाद कुछ बातों को समझना होगा, ठीक है, कुछ बातों को समझना होगा, और वो बात यहाँ पे ध्यान देने से ही होगा। आप लोगों जैसे इसमें साइन के पहले प्लस है और कॉस के पहले माइनस है, वैसे इसमें भी साइन के पहले प्लस बनाते हैं और कॉस के पहले माइनस बनाएंगे, ताकि एलसीएम लेने में आसान हो, मत आसानी से बन सके, और नहीं तो फिर प्लस माइनस के लिए अजूरा जाएगा। तो इसको सीधा करने के लिए अगर आप इस माइनस को हटाना चाहेंगे तो कौन उपाय है, उपाय कॉमन है, माइनस कॉमन लेना पड़ता है। क्या आप माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो माइनस को कॉमन लेंगे तो अभी अच्छा माने अच्छा से बन जाएगा। तो क्या हम माइनस को कॉमन लें? आप देखिए, आइए कह दो, आइए दीजिए जाइए। थोड़ा इंक भर ले रहा हूं फिर बता रहा हूं। चलिए कृपया करके देखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं तो बहुत सुंदर है, पांच जमा में पूछेगा तो भुलवा देगा आप लोगों। अब आइए हम बात करते हैं। देखिए सेम लिखा हूं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप लोगों मैं समझाऊं कि अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये लड़का बन जाएगा। बोलिए, बहुत ही आसान सा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस बन गया, है माइनस बन गया, काज की है में से आप माइनस बाहर ले रहे हैं तो बाहर लेंगे रवि, तो ये प्रकाश भैया बोला रहे हैं, बाहर अगर लेंगे, चलिए अगर बाहर लेंगे माइनस ये लड़के, तो हई सब पूजा है। देखिए ध्यान से निशु, देखिए अगर माइनस आप यहाँ बाहर लेंगे तो हई माइनस बन गया। अरे भाई माइनस अगर यहाँ लेंगे कॉमन लेंगे तो माइनस जाके इसको माइनस नहीं बना देगा, तो हई माइनस बन गया। तो अब एक बात हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ध्यान से अंदर में जस के दस साइन जस के दस। अभी अंदर वाले देखिए ध्यान से देखिएगा, जो माइनस आप कॉमन ले लिए हैं तो जो चीना है अंदर वाला ये चीना अपोजिट हो जाता है, यानी कि माइनस साइन है तो क्या हो गया, अब प्लस साइन हो गया, अब प्लस कॉस है तो क्या हो गया, अब माइनस कॉस हो गया, यानी कि माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? मैं इस चीज को बहुत फास्ट में नहीं बना गया, आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग टेंथ में पढ़ रहे हैं और मात्र एक ही बार ही सीखना है, बाद में थोड़े पढ़ने वाले फिर टेंथ में, इसे बढ़िया से एक बार देख लीजिए। अब आगे देखिए,
अब नीचे वाला एक ही दिन मिल गया ना, तो अब एलसीएम लेने में आराम होगा। अब एलसीएम लेंगे तो देख ले तो उतारिएगा, कहीं भले समय लग जाए। एलसीएम में देखिए हम क्या लिखेंगे, आइए चलिए भाई आपकी बात, कॉस इंटू साइन, हेमे अलग अलग गुना हो जाएगा भाई, दोनों के लिए एक ही गुना होगा जी, ब्रैकेट दबा, ये ना एलसीएम होता है जी। अब हम जो बांटा भाग जोड़ घटाव जो प्रक्रिया प्रक्रिया होती है उसी के तरह चलेंगे, कॉस से कॉस, हाई ब्रैकेट से ब्रैकेट, क्या बच गया, साइन में ना देता साइन क्यों थीटा, देख रहे हैं। अब आगे बढ़िए, साइन हाई ब्रैकेट ही ब्रैकेट, कॉस बच गया ना, कॉस में कॉस क्यों थीटा देता हो गया। अब यहाँ पे एक बात आया, अब यहाँ पे एक बात होगा जो बात बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक सूत्र यहाँ पे लागू होगा, वो सूत्र आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, बोले पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, नाइन्थ में वो सूत्र पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़े हैं, सूत्र देखिए यहाँ पर डाल रहा है, सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से, ए माइनस बी, ठीक है। अब फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही सूत्र होता है, एक ही कर ए क्यू माइनस बी क्यू, ये जो है ये सूत्र ए बी लास्ट में भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बीच में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे इस सूत्र को हम फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, कैसे करेंगे आप देखिए, हाई ए क्यू है हाई बी क्यू है यही मानेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र है, तो देखिए बाबू मैथ है, हो गया ना, ए माइनस बी होगा ऐसा हो गया ना। अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। अब नीचे देखिए, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फ्री रख दीजिए है ने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब आगे देखना होगा, आगे हम क्या करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, तो ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, हालांकि हम एक लाइन और चल देते हैं तब कटाएंगे, चलिए यहीं कटा दें, चलिए यहाँ पे हम कटा दिए। तो अब यहाँ क्या लिख रहे हैं तो देखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि सर ये आप कैसे कर दिए, देखिए हाई साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखे, कॉस यहाँ लिखे, फिर काहे लिखे, कास के एकर बदले में एक हम लिख देंगे सूत्र के फॉलो करके, तो एकर हाई जो है सो लिख दिया। अब एकर बदले में क्या लिख दिया, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया ना। अभी इतना तक आपको लिखना होगा, तब आगे भी बताएंगे, आगे आंसर आ जाएगा, कहीं तो हम इन्हें मिटा के बनाऊ ना, तो इतना लिख लेता हूँ, हम मिटा के बनाएंगे, लिखे हाथ ना बोलिए, हम पहले बनवाइए तब लिखेगा, लिखिए दो दिन लिखिए तो पहले जल्दी। आप लोग जल्दी से दो दिन लिख लीजिए, हाँ जल्दी से इतना लिख लीजिए इतना, ताकि इतना इतना में मैं उसको बना दूंगा आगे।
देखिए, हेलो, देखिए ध्यान से, इसके बदले में लड़का ये फाइटिंग नहीं करना आपस में। देखिए ये जो चीज है मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझा सकूं, यहां से मिटा दे रहा हूं। देखिएगा, मिटा दिया और मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के बदले में क्या लिखूं, एक, और यहां पे साइन इनटू कॉस, साइन इनटू कॉस, और बटा में कॉस इनटू साइन। आपको एक चीज हम बताए थे कि बीच में प्लस जो होता है, मान लीजिए ए प्लस बी बाई टू है, एक मतलब ए बटा में टू और प्लस बी बटा में टू, दोनों के बटा में है। तो मान लीजिए हाई बीच में प्लस है, यानी कि एक बटा में ये है, एक बटा में कॉस इंटू साइन, अब प्लस एक बटा में भी ये है, बोलिए हाँ या ना, साइन इंटू कॉस बटा में कॉस इंटू साइन। अब हम देखिएगा तो ये कट गया और कट के इसके बदले में एक आ गया, अर्थात हम इसको फिर सेपरेट करेंगे, सेपरेट वन बाई कॉस इंटू वन बाई साइन प्लस वन कर सकते हैं, फिर एक गुना एक हुआ, फिर तो वही गए गुना के वही बात हुआ, इसलिए कर रहे ताकि हम ये ला सके, ये ला सके, राइट हैंड साइड ला सके। तो वन बाई कॉस के बदले में सेक, वन बाई साइन के बदले में कॉस एक प्लस वन। अगर इसको सीधा करना होगा इसकी तरह तो हो ही गया, ठीक तो है। अरे वन पहले है वो बाद में है, मैं ही पहले ही बाद में है, अंतर तो कुछ नहीं है, है ना, नहीं ना अंदर। तो आप यहाँ पे लिख के प्रूव कर सकते हैं, पी आर ओ धीरी प्रूव्ड या फिर सत्यापित हुआ, आगे अने तो जो सीधा करके लिख सकते हैं एक प्लस से थीटा इंटू कॉस थीटा, वही बात हुआ, सत्यापित हुआ। लेकिन लास्ट में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड या फिर सत्यापित हुआ। बहुत ही सुंदर मैथ था, आप इस ध्यान से बनाइए। हाँ, दो बार मत लिखिए, दो बार मत लिखिए, एक ही बार लिख दीजिए, हटाइए। देखिए एक ही लिख दिया प्लस एक बाई कॉस का सेक अमन बाई साइन का कॉस, एक ही बार लिख दिया, ठीक है ना, एक ही बार प्रूव्ड या फिर सत्यापित हुआ। लिखेंगे लास्ट में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड या हिंदी में सत्यापित हुआ, कंप्लीट है।